नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जब भी हम स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, उसके बाद जब इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, हमसे एक पासवर्ड मांगा जाता है पीडीएफ के लिए, तो वो पासवर्ड क्या है। अब दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, जो पासवर्ड है वो हर किसी के लिए अलग है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट समझना होगा। चलिए हम सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं, जब भी हम अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, उसके बाद में हमें एक फॉर्मेट दिया जाता है। जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट है हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मुझे जो फॉर्मेट दिया गया है, जब मैं डाउनलोड करूंगा उसी समय हमें बता दिया जाएगा। याद रखने लायक बात यह है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, मिनी स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, कमेंट करके बाद में बताते हैं हमारा पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ मैं मिनी स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फुल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो फॉर्मेट है वो है NAMEDDMM। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, आपका जो भी नाम है उसके जो आगे वाले चार लेटर है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है पासवर्ड में। उसके बाद में DDMM का अर्थ होता है आपके जो जन्म तारीख है और आपके जन्म का जो महीना है वो लिखना है। तो चलिए हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। याद रहिए आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि लोग यहीं से फॉर्मेट देके वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, बट उनका काम नहीं होगा क्योंकि उनको ये फॉर्मेट पूरा समझना पड़ेगा। और दोस्तों आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइए, और उस राज्य में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सर्विसेज कैसी है उसका एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में शेयर कीजिए। अब दोस्तों हम फॉर्मेट समझने वाले हैं, तीन एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार, आपकी जन्म तारीख है वो है 1 जनवरी, तो आपको क्या करना होगा, आपका जो फॉर्मेट होगा वो होगा RAM, फिर आपका K आप ले लेंगे कुमार से। क्यों लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे तीन लेटर हो रहा है, चौथा लेटर पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आपने सरनेम से यहाँ पे ले लिया। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम से नाम ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे चार लेटर कंप्लीट होते हैं आपको लिखना है 0101, क्योंकि 1 जनवरी 1 को आप 1 नहीं लिखेंगे, DD के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 01 लिखेंगे, और आपका जो मंथ रहने वाला है उसको भी आप MM के फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर सिंगल डिजिट का मंथ है तो वहां पे आप 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। यहाँ पे सिंगल डिजिट का मंथ है तो हमने 0101 लिख लिया और यहाँ पे कंप्लीट किया। नंबर 2, मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार और आपकी जो जन्म तारीख है वो है 12 मार्च, तो आपका यहाँ पे पासवर्ड क्या बनेगा, RAME। यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, नाम के चार लेटर ले लिए, उसके बाद में आपने 12 की जगह 12 मार्च के लिए आपने 12 तारीख लिख ली, और उसके बाद में मार्च के लिए आपको 3 ना लिख के 03 लिखना है, क्योंकि आपको 2 डिजिट पूरे करने हैं। एग्जांपल नंबर 3, अब मान लीजिए दोस्तों आपका जो नाम है वो है राकेश कुमार और आपकी जो जन्म तारीख है वो है 14 दिसंबर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो नाम रहने वाला है राकेश RAKE, ये आपको 4 लेटर लेने हैं। उसके बाद में जो आपका जो भी यहाँ पे जन्म तारीख है 14 दिसंबर, तो आप 14 लिख लेंगे, 14 लिखेंगे, उसके बाद में दिसंबर के लिए 12 लिखेंगे, और इसी प्रकार से आपका जो पासवर्ड है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ जिस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप लोगों को समझ आया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें शेयर कीजिए, हमको बताइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।